शीतला माता की पूजा के लिए मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की कतारें लगना बड़ी संख्या में शुरू हो गई। भगवती शीतला की पूजा अर्चना का विधान भी अनोखा होता है। शीतला सप्तमी के एक दिन पूर्व उन्हें भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं। शीतला सप्तमी के दिन बासी पकवान ही देवी को नैवेद्य के रूप में समर्पित किए जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार आज भी सप्तमी के दिन कई घरों में चूल्हा नहीं जला जाता है और सभी भक्त खुशी खुशी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का ही आनंद लेते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है और ग्रीष्म का आगमन होता है, इसलिए अब यहाँ से आगे हमें बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। शीतला माता के पूजन के बाद उस जल से आंखें धोई जाती है। यह परंपरा गर्मियों में आंखों का ध्यान रखने की हिदायत का संकेत है। माता का पूजन करने के बाद हल्दी का तिलक लगाया जाता है। घरों के मुख्य द्वार पर सुख शांति एवं मंगल कामना हेतु हल्दी के स्वास्तिक बनाए जाते हैं। हल्दी का पीला रंग मन को प्रसन्नता देकर सकारात्मकता को बढ़ाता है। भवन के वास्तु दोषों का निवारण होता है। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.